भी अपने व्यूअर्स और जो हमारे फेसबुक के व्यूअर्स हैं और सभी पेरेंट्स कोचेस सभी का ही पाठशाला में स्वागत करता हूँ। और आज हमारे बीच में ओम प्रकाश जी हैं जो पिछले सप्ताह से स्टार्टिंग से हमारी क्लासेस ले रहे हैं। आपको डेवलपमेंट और उसके साथ साथ बेसिक और डेवलपमेंट का जो अंतर है उसके बारे में बता रहे हैं। ओम प्रकाश के बारे में आपको ये बताऊं कि वो देश के धरोहर हैं, साथ में उन्हें राजस्थान का भी गौरव मिला हुआ है, उन्हें महाराणा प्रताप अवार्ड से नवाजा गया है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके साथ में उन्होंने 19 अंतर्राष्ट्रीय पदक भी उन्होंने जीता है जो भारत के लिए, और 64 नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में उनके मेडल है। वो एयर पिस्टल में है, फ्री पिस्टल में है, स्पोर्ट्स स्टैंडर्ड पिस्टल में है, सेंटर फायर, रैपिड, सारे इवेंट जो पिस्टल के इवेंट है उनमें सभी में उनको मेडल्स मिल चुके हैं। और 10 टाइम्स वो नेशनल चैंपियन रहे हैं। तो जो आपके क्लास ले रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ये बहुत बड़ा अनुभव है। वैसे मैं डेली उनको सुनता रहता हूँ, कल भी मैं उनको सुन रहा था। तो ग्रिप के बारे में एक चीज जो बता रहे थे, तो उसमें एक तो प्रश्न और भी था, जो शूटर्स को दिक्कत होती है, आए दिन मैं देखता भी रहता हूँ कि दूर होना पड़ता है। तो उसमें ओम प्रकाश जी, जैसे एक मैंने क्वेश्चन पढ़ा था लेकिन कल समय अभाव के कारण वो क्वेश्चन आ नहीं पाया। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग बताते हो कि ग्रिप ऐसे पकड़ना चाहिए और उसको एमिंग एरिया में आने में ऐसे आना है, तो ये क्या हम ये थोड़ा आप बताएंगे हमारे व्यूअर्स को, हमारे शूटर्स को, कि वो मेथड क्या है, ग्रिप पकड़ने का जो मेथड है उससे क्या क्या, फिंगर कहाँ से इम्प्लॉयमेंट होती है, कहाँ से प्रेशर देते हैं, और ये दिक्कत आती है चाहे वो डेवलपमेंट का शूटर, एथलीट शूटर हो और चाहे हमारे बिगिनर हो। अगर एक बार आप दोबारा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस चीज को अगर समझाएं, तो उसके बाद आज के टॉपिक पे अगर हम चर्चा करें तो शायद बेहतर रहेगा हमारे सुनने वालों के लिए, हमारे शूटरों के लिए। और मैं आपसे निवेदन करूंगा ओम प्रकाश जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप सभी का फिर से स्वागत है खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम के अंदर। और आपका जो सवाल है बहुत ही बेहतरीन सवाल है। मुझे भी लग रहा था कि कल पूछे के जो अपने क्वेश्चंस हैं वो बच गए थे। ग्रीप का क्वेश्चन जो आपने बताया है, इसका ये बहुत ही एक अहम फैक्टर है, चाहे डेवलपमेंट लेवल का शूटर हो चाहे बेसिक वाला हो, ये सभी के लिए बहुत ही ध्यान में रखने वाली और ऐसी कारगर चीज है कि अगर इसकी जो दुरुस्त चीज है उसको हमने अगर सीख लिया तो आगे हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके लिए क्या करना है कि ग्रिप पकड़ने का, जैसे कि मैंने कल तरीका बताया था, वो ये था कि ग्रिप को हमेशा ऐसे पकड़े जैसे एक डिस्पोजल ग्लास होता है, प्लास्टिक का ग्लास होता है डिस्पोजल वाला, उसमें पानी डाल दिया और किसी भी चाहे बड़े आदमी को दे चाहे बच्चे को दे, वो उसको हाथ लगाते ही समझ जाता है कि इसको पिचकाना नहीं है, इस पे ज्यादा प्रेशर लग गया तो पानी बाहर गिर जाएगा या गिलास टूट जाएगा। ये बच्चे को भी गिलास हाथ में लेते ही समझ में आ जाता है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है आपकी ग्रिप के साथ में, हाथ की, अपने दिमाग की, अपनी एनर्जी की एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये आपका एक कोऑर्डिनेशन बैठना चाहिए कि ग्रिप को कितना पकड़ना है, ये फील करना पड़ेगा। ग्रिप को इतना ही पकड़ना है जिससे आपकी साइट जो है कंट्रोल में आ जाए, साइट को सेंटर में रख पाए और उसके बाद उसको वैसा का वैसा नीचे उतार लें अपने एमिंग एरिया तक, जहां आप पॉइंट पे, जहां पे ब्लैक के नीचे एम कर रहे हैं वहां तक आप वैसी की वैसी मेंटेन्ड साइट को लेकर के एमिंग एरिया में उतर जाएं। इतना ही प्रेशर लगाना है। अब इसके अंदर कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगानी है। कोई बोलते हैं 60% प्रेशर होना चाहिए, 40% होना चाहिए, तो ये परसेंटेज नापते रहोगे तो परसेंटेज में उलझ के रह जाओगे। परसेंटेज कुछ नहीं है, इतनी टाइट पकड़नी है कि आपकी साइट कांपे नहीं, आपके एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगे। कोई बोलते हैं कि बहुत ज्यादा टाइट पकड़ो, धीरे पकड़ो या ऐसा, तो उनके लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने कोई भी एक मापदंड वाला प्रेशर ग्रिप के ऊपर लगाया अगर दिमाग को अलर्ट करके, तो क्या होगा कि बिगिनिंग में जब एनर्जी आपके पास में पूरी है, आप थके हुए नहीं हो, तो आप क्या है ज्यादा प्रेशर लगा सकते हो, लेकिन एंड तक जाते जाते जैसे आपका एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, आपके ग्रिप के ऊपर प्रेशर उतना कायम नहीं रह पाएगा। तो इसके लिए क्या करना है कि टाइट पकड़ना ही नहीं है, पॉइंट से पकड़े। एक तो मैंने ये बताया था, ये ट्रिगर फिंगर हो गई आपकी, इसके बाद जो नेक्स्ट वाली उंगली का ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से से आपने ग्रिप के ऊपर प्रेशर लगाना है पीछे की साइड में, ठीक है। और पीछे आपका ये वाला हिस्सा है पूरा, यहाँ पे आपकी ग्रिप लगी हुई है,
ये काउंटर प्रेशर यहाँ से पीछे से लग ही रहा है, यहाँ से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आगे से सिर्फ इस उंगली से पीछे की तरफ प्रेस करें हल्का सा, और बाकी उंगलियों को लगा रहने दें, हल्का मामूली प्रेशर रहे इनका, और आपका ग्रिप स्टडी हो जाएगा। इससे प्रेशर देने से क्या होगा, आपका रिस्ट ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। जिन शूटर्स का बिगिनिंग में जब नए बच्चे स्टार्ट करते हैं तो शॉट ड्रॉप होते हैं, नीचे जाते हैं, रिस्ट ब्रेक हो जाती है उनकी, कलाई टूटती है ऐसे नीचे को, तो वो नहीं होगी। और दूसरा जो ग्रिप पकड़ने का तरीका है एडवांस लेवल पे जाने के बाद में, तो वो आप तीन पॉइंटों का यूज कर सकते हैं। एक है यहाँ पे ग्रिप को लटकाना, ये जो जगह दिख रही है आपको, इसके ऊपर लटका देना, उसी उंगली का यूज है इसके अंदर भी। दूसरा आपका यहाँ पे, यहाँ से ग्रिप को अंदर बिठा दिया, और तीसरा आपका यहाँ पे जो पिस्टल की गर्दन आती है इसके अंदर ऐसे पकड़ते ना, तो ये वाला एरिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट है, इन तीन पॉइंटों के अंदर ग्रिप को फंसा के लटकाना है, उसको पकड़ना है ही नहीं। लोग बोलते हैं पकड़ना, ग्रिप को पकड़ना ही नहीं है, पकड़ोगे तो एक जैसा एंड तक नहीं पकड़ पाओगे, हर शॉट में एक जैसी पकड़ नहीं बना पाओगे, मैच में अलग पकड़ोगे, सेटर में अलग पकड़ोगे, फाइनल में अलग पकड़ोगे, प्रैक्टिस में अलग तरीके से पकड़ोगे, तो एक जैसा प्रेशर नहीं रहेगा। तो इस विवाद से निकलने के लिए क्या करना है, ग्रिप पे एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना ही नहीं है। इतना तो याद रह ही सकता है कि मुझे इतना ही पकड़ना है जिससे मेरी साइट मेंटेन हो जाए, दैट्स इट। और उसमें एक्स्ट्रा ध्यान लगाने की, दिमाग लगाने की, या एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी ऐड करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू ओम प्रकाश जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। और बीइंग राइफल कोच मैं समझ सकता हूँ, तो शायद जो भी हमारे पिस्टल शूटर है उसको बहुत बखूबी समझ चुके होंगे। और एक क्वेश्चन और था, जैसे कि बताते हैं कि आपका एमिंग एरिया जैसे 6 o'clock होता है, कोई बच्चा जैसे आप कल भी डिस्कस कर रहे थे ऊपर से लेके आओ, तो वो तो सारे बच्चे प्रयास करते ही करते हैं, लेकिन कोई ऐसा मेथड है जो कि हम डेवलपमेंट और बेसिक एक साथ कर रहे हैं, अगर वो कोई ऐसा तरीका जिसको शूटर्स उस पर अमल करे और उसको फॉलो करे, और कम समय में जैसे अब आप इतने बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं और अभी आप पैरा ओलंपिक टीम के कोच भी हैं, तो आप ऐसा हमारे व्यूअर्स को बताइए, हमारे जो अपकमिंग शूटर्स हैं या हमारे जो अभी एलीट शूटर्स हैं जो हमें सुन रहे हैं, तो उनको हम ऐसा कैसे समझा सकें जैसे कल ही या आज ही आपकी बात सुनकर, आपके प्रैक्टिकल अनुभवों को सीखकर वो अपने प्रैक्टिस में उसको लेके आए, उसको फॉलो करें, तो वो तरीका कोई ऐसा मेथड जिससे उनका बेनिफिट ज्यादा हो। इतने टाइम के बाद में कोई इतना मतलब तकड़ा क्वेश्चन, जो क्वालिटी वाला क्वेश्चन है वो आया है, बड़ी खुशी है मुझे जिसने भी ये क्वेश्चन किया है। देखिए क्या होता है, मोस्टली हम लोग भी भूल जाते हैं कई बार, हम लोग भी भूल जाते हैं इस चीज को कई बार, और कई बार क्या होता है शूटर भी नहीं पूछ पाता है। तो ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है कि इसका मेथड क्या है, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन। तो मेथड ऐसा है, जैसे ट्रिगरिंग की प्रैक्टिस जब हम करते हैं और जब अपन साइट अलाइनमेंट की प्रैक्टिस करते हैं, तो इसके तरीके हैं, मैंने बता दिया कि ट्रिगर को स्मूथ दबाना है, ट्रिगर को कंटिन्यू लेके आना है, आते ही 1-2 सेकंड 3 सेकंड में फायर हो जाना चाहिए। सुन लिया सबने और सबको यह लगा कि हाँ अभी मुझे आज ज्ञान प्राप्त हो गया, कल से मैं ऐसे ही करने लग जाऊंगा, लेकिन जब करने की ट्राई करता है तो वो होता नहीं है। इसलिए नहीं होता है कि आपको मेथड पता नहीं चला अभी तक, मेथड क्या है उसका, वो मेथड मैं ये बताता हूँ। देखिए जब भी आप ट्रिगर की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको टारगेट सामने सीधा लगाने की जरूरत नहीं है, टारगेट को एक तो उल्टा लगाएं, उसके बाद क्या करें, टारगेट के ऊपर एक इंच की चौड़ी और 5 या 4 इंच की लंबी पट्टी बना लें एक टारगेट के ऊपर, और उस पट्टी के ऊपर से साइड को लेकर के आए, और टारगेट के जैसे ही सेंटर में आए वो पट्टी खत्म हो गई आपकी, वो लाइन खत्म होगी ब्लैक लाइन, उस लाइन के ऊपर ऊपर से साइड लेके उसके नीचे जैसे ही पहुंचे ट्रिगर ब्रेक हो गया आपका। तो इसकी आप ड्राई भी कर सकते हैं, टारगेट को वॉल पे लगा करके उल्टा टारगेट लगाएं, उसके ऊपर एक लाइन बनाएं ब्लैक स्केच से या ब्लैक जो मार्कर होता है उससे 6 इंच लंबी एक लाइन बना लें, उस लाइन के ऊपर ऊपर साइड लेके आए और उस पे आते टाइम पर ट्रिगर को दबाते हुए आए, जैसे ही वो आपकी ब्लैक लाइन एंड हुई आपका ट्रिगर ब्रेक हो जाना चाहिए। तो ये क्या है, आपने तालमेल बिठाना है, आपकी साइट ट्रिगर और एमिंग एरिया ये तीनों का कोऑर्डिनेशन बनना चाहिए। हमेशा ताकत लगा करके या कॉन्शियस हो करके
अपनी एनर्जी को वेस्ट करके हमें एन मारने के पीछे या परफेक्ट शॉट चलाने के पीछे नहीं लगा रहना है। हमें एक ऐसा मेथड, एक ऐसा टेक्निक, एक ऐसा तरीका सीख लेना है जो ऑटो मोड पे हम आ जाएं। जो हमने सीख लिया तो अब उसके बाद क्या है, वो चीज ऑटोमेटिकली बॉडी रिपीट करती रहेगी हमारी। तो इसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज ये है ट्रिगर साइट और एमिंग एरिया। ये जो तीन है, ट्रिगर साइट एमिंग एरिया, ये तीनों का कोऑर्डिनेशन बनना चाहिए। और इसका कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए टारगेट को उल्टा लगाएं और उसके ऊपर ट्रिगर को दबाते हुए ऊपर से लेके टारगेट के सेंटर में पहुंचे, शॉट ब्रेक हो गया। दूसरी एक्सरसाइज करने के लिए उस पर एक ब्लैक कलर से स्केच एक लाइन खींच लें 5 से 6 इंच की, उसके ऊपर से साइट लेके आए और जैसे ही वो लाइन एंड हो जाए ट्रिगर आपका ब्रेक हो जाना चाहिए। तो ये कोऑर्डिनेशन आपने बिठाना है। इससे क्या होगा कि आपकी उंगली को आदत हो जाएगी ट्रिगर दबाने की। जैसे ही बच्चे मान लीजिए साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का ब्रेक मारने के लिए क्या करते हैं, हाथ ऐसे पकड़ा हुआ है लेकिन सिर्फ उंगलियों का यूज करते हैं आप ब्रेक मारने के लिए। कभी भी आप पूरा हाथ दोनों ले जा करके ऐसे नहीं मारते हैं ब्रेक को। क्यों नहीं मारते हैं? क्योंकि आपने सिर्फ उंगलियों को ट्रेन किया है ब्रेक मारने के लिए। स्कूटी स्टार्ट करते हैं तो आप जो है सेल्फ का अंगूठे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ब्रेक मारते हैं मोटरसाइकिल वाले तो वो पंजे का इस्तेमाल करते हैं। कभी भी हाथ से जाकर के मोटरसाइकिल का ब्रेक क्यों नहीं दबाया? क्योंकि आपने हाथ को ट्रेन नहीं किया ब्रेक दबाने के लिए, आपने अपने पंजे को ट्रेन किया है ब्रेक दबाने के लिए। गियर डालने के लिए दूसरे पैर के पंजे को ट्रेन किया है, दूसरे पैर कभी भी ब्रेक दबाने के लिए इधर नहीं आता है। तो ये आपने ट्रेन कर दिया इसलिए वो ऑटोमेटिक हो रहा है। चाहे आप फोन पे बात कर रहे हैं, चाहे कोई आ गया दुआ सलाम उससे कर लिया या कुछ भी हुआ, सब कुछ करते जा रहे हैं। यहाँ व्यू नजारा अच्छा है, बारिश हो रही है, पेड़ पौधे हैं, भीड़ है, ट्रैफिक है, रेड लाइट देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, दिमाग अंगेज है, लेकिन आपके बॉडी के पार्ट्स ऑटो मोड पे आ गए, वो काम कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उससे आपने इतनी बार रिपीट करवा दिया अपनी बॉडी को, इतनी बार आपकी प्रैक्टिस हो गई उस चीज की कि अब आपको कॉन्शियसली ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि मेरा ब्रेक कहाँ है दबाना है, सेल्फ कहाँ है, ब्रेक कहाँ है। इंडिकेटर देने के लिए आप अंगूठा का इस्तेमाल करते हैं, स्कूटी में मोटरसाइकिल में इंडिकेटर देते हैं तो आप अंगूठा ही चलता है आपका, ठीक है। तो ये इसलिए चलता है क्योंकि इन पार्ट्स को आपने उस पार्टिकुलर काम के लिए ट्रेन कर दिया। वैसे ही मैं कहता हूँ शूटिंग के लिए आप अपने हरे बॉडी पार्ट को ट्रेन कर दीजिए, और जब उस पार्ट को ट्रेन कर रहे हैं तो आप स्कोर की एक्सपेक्टेशन या शॉट आपका अच्छा लग जाए या और जितने भी जंजाल आप दिमाग में लेके आते हैं उन सबको हटा दीजिए। और जब भी आप ट्रेनिंग करें किसी एक इंडिविजुअल पार्ट की तो उस टाइम पे टारगेट आपके सामने नहीं होना चाहिए। जो ऑब्जेक्ट आपके सामने जो डरा रहा है, सब कुछ जो ब्लैक बॉल है टारगेट की, जो 7 तक की रिंग है, वही तो सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। उसको हटा दीजिए, टारगेट को उल्टा लगाइए और उसके बाद में फायर कीजिए। वैसे टारगेट लगाइए ही मत, आप ऐसे ही अंदाजे से ही ऊपर से लेकर के आइए ट्रिगर को दबाते हुए, साइड पर फोकस करते हुए। जैसे ही आपको लगे कि हाँ ये सेंटर में ऑलमोस्ट आ गया, आपका ट्रिगर ब्रेक हो जाना चाहिए। तो इस उंगली को आपने क्या करना है, ट्रेन कर देना है कंटिन्यू प्रेस करने के लिए। आंख को ट्रेन कर देना है साइड को परफेक्ट देखने के लिए, ठीक है। तो आंख को ट्रेन आपने साइड को देखने के लिए किया, तो क्या हुआ, जब भी आपकी साइड गड़बड़ हुई आपके ब्रेन ने सिग्नल दे दिया आपकी उंगली को टक से कि नहीं साइड खराब हो गई है, साइड ठीक से नहीं मिली है, लेफ्ट राइट अप डाउन कहीं भी चिपक गई है, आप रुक जाइए। तो ट्रिगर फिंगर रुक जाएगी, क्यों, क्योंकि आपने इसको ट्रेन किया हुआ है कि परफेक्ट साइड में ही चलाना है। तो क्या होगा, शॉट कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एक एक बॉडी पार्ट को ट्रेन करना है, तब जाकर के ये चीज ऑटोमेटिक होने लग जाएगी और शूटिंग आसान बन जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है, जो आपको सबसे मुश्किल लगता है मैच के दौरान ट्रिगर दबना, लोगों का कहीं ओवर ट्रिगर नहीं दबता है, कहीं का साइट नहीं दिखती है, या पता नहीं क्या क्या नई नई बीमारियां आ जाती हैं, तो वो इसलिए आती है क्योंकि आपने उन इंडिविजुअल पार्ट्स को ट्रेन नहीं किया है। तो आप ट्रेन करें पहले उन चीजों को, ट्रिगर फिंगर को ट्रेन कीजिए, ग्रिप को, हाथ को ट्रेन कीजिए कि कैसा पकड़ना है, शोल्डर को ट्रेन कीजिए कि स्मूथली उठाना है, शोल्डर मसल से पिस्टल उठानी है, शोल्डर मसल से लेके आनी है, बॉडी को ट्रेन कीजिए कि बैलेंस बना करके उसके बाद में जब आप एकदम अच्छी ऑप्टिमम पोजीशन आपने ले लिए उसके बाद आपका हाथ उठे। तो हर एक पार्ट की ट्रेनिंग कीजिए, एक एक दिन एक एक चीज का गोल लेके चलिए। आज पोजीशन पे ही काम करेंगे तो हर शॉट को उठाने से पहले पोजीशन को चेक कीजिए, आज ग्रिप पे काम करेंगे तो हर शॉट को उठाने से पहले ग्रिप पे फोकस कीजिए, मेरा ग्रिप ओके है, कल साइड की करेंगे, फिर ट्रिगर की करेंगे, उसके बाद फॉलो थ्रो की करेंगे, उसके बाद हम टेन मारने की ट्राई करेंगे कि मेरी ओवरऑल सारी चीजें ठीक है तो मैं ओवरऑल शॉट में देखता हूँ, उसके बाद देखें चलो आज मैच करते हैं, लास्ट डे संडे आ गया जो भी है, तो आज मैं मैच करूंगा कि मैं सारी चीजें फॉलो कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। फिर आपको लगता है कि नहीं आज थोड़ा सा ट्रिगर ठीक से नहीं चला, तो फिर वापस आ जाइए अगले हफ्ते, 2 दिन डाल लीजिए ट्रिगर के लिए। तो ऐसे करके एक एक पार्ट को ट्रेन करना है। यस सर, थैंक यू सो मच ओम प्रकाश जी, आई थिंक आपने अच्छे तरीके से आपने उसको क्लियर किया और होप एवरीबॉडी इज सेटिस्फाइड विद योर आंसर्स।
तो जो आज का टॉपिक है प्रिपरेशन कैसे किया जाए और आने वाले टाइम के कंपटीशन के मैचेस के लिए, सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ओम प्रकाश जी आज आपका टॉपिक लें और हम सभी को नया कुछ सीखने को मिले थोड़ा डेवलपमेंट में और उसको और बेहतरीन करने के लिए, अपनी प्रैक्टिस को डेवलप करने के लिए, अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए, अपना स्टैंडर्ड हाई करने के लिए आज हम लोग जो सुनने जा रहे हैं ओम प्रकाश जी को। तो उम्मीद है कि हर किसी स्टूडेंट्स को, व्यूअर्स को जो भी क्वेश्चन है वो लास्ट में आप पुटअप करें और आनंद पूर्वक आज का ज्ञान लें। ओम प्रकाश जी। थैंक यू वेरी मच सर। तो आज की जो क्लास है अपनी, उसके ऊपर बढ़ते हैं आगे। आपके कल के सवाल थे, बड़े अच्छे लगे और मेरे ख्याल से आप लोग अपने जवाब तक भी पहुंचे होंगे। तो आज की जो क्लास है अपनी प्रिपरेशन एरिया, साइट अलाइनमेंट, ट्रिगरिंग, यहाँ तक हम कल पहुंच गए थे। उसके बाद पार्किंग एंड फॉलो थ्रो हमारा बच गया है। तो पार्किंग एंड फॉलो थ्रो के ऊपर अपन जाएंगे। सबसे पहले मैं इन्हीं को थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ जो कल अपनी चीजें थी। प्रिपरेशन एरिया के बारे में आपको कल बताया था कि प्रिपरेशन एरिया में सारी चीजें चेक करनी है, ट्रिगर की जो फिंगर है अपने, ट्रिगर फिंगर सही जगह पे प्लेसमेंट हुई कि नहीं हुई, ब्रीथिंग के साथ गए कि नहीं गए, साइट को अलाइन किया कि नहीं किया, सब प्रिपरेशन एरिया में ही शुरू हो जाता है। प्रिपरेशन एरिया में सारी चीजों को आपने चेक करना है। साइट अलाइनमेंट के ऊपर आ गए, तो साइट का जो क्लियरिटी है वो ये रहनी चाहिए कि आपकी बैक साइड हल्की सी धुंधली है, फ्रंट साइड एकदम क्लियर है और टारगेट इन सबसे ज्यादा धुंधला रहेगा। टारगेट के ऊपर सबसे कम फोकस रहेगा, सबसे ज्यादा फोकस रहेगा आपका मेन फ्रंट साइड के ऊपर। मेन फ्रंट साइड अगर फोकस्ड रहेगी तो आपकी जो गलती कुछ भी होगी तो आपको पता चल जाएगा, और इनमें से दूसरी जगह पे फोकस होगी तो साइट की गलती करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए साइट के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। साइट अलाइनमेंट ये देख लीजिए, आप आंख है, आंख से एकदम स्ट्रेट अपनी बैक साइड है, बैक साइड के अंदर ही फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड से आगे हमारा टारगेट शुरू हो जाता है। तो ये सब एक लाइन के अंदर होने चाहिए, ये अलाइन होनी चाहिए सारी चीजें, तब जा करके हमारा क्लियर विजन बनेगा, हमारी जो फोकस है वो एकदम क्लियर होगी हमारे को। ट्रिगर प्लेसमेंट के बारे में कल बात की थी, तो ट्रिगर प्लेसमेंट आप देख सकते हैं, सबसे जो पहली स्लाइड है लेफ्ट में आपको दिख रही है वो 10 मीटर पिस्टल के लिए एकदम राइट प्लेस है। थोड़ा सा पीछे की साइड में भी आ सकते हैं, गुंजाइश है इसमें, लेकिन जो बीच वाली स्लाइड और सबसे राइट वाली स्लाइड है वो 10 मीटर शूटिंग के लिए गलत है। जो बीच वाली है वो तो बिल्कुल ही गलत है, और जो सबसे राइट में है वो सिर्फ एक्सेप्शनल केस के अंदर चल सकती है, अगर किसी शूटर का हाथ बहुत ही ज्यादा छोटा है तो उसको ये चीज असर नहीं करेगी जो नॉर्मल वाले को करेगी। अगर किसी की फिंगर लंबी है या गुड इनफ है ट्रिगर पे पहुंचने के लिए, उसके बावजूद भी अगर वो फिंगर टिप से ट्रिगर को दबाता है तो उसके शॉट्स इसमें लेफ्ट में चले जाएंगे, तो वो शूटर ना करे। लेकिन जिसका फिंगर ही छोटा है, ठीक है, तो वो हाथ छोटा है तो वो शूटर का अगर यहीं तक पहुंच रहा है वो दबा सकता है, उसको वो चीज असर नहीं करेगी क्योंकि उसका हाथ का बैलेंस और ग्रिप का पकड़ने का हिस्सा उतना आ रहा है उसके अंदर, आपका नहीं आएगा, इस चीज का ध्यान रखें। एमिंग एंड ब्रीदिंग, यहां से आज अपन स्टार्ट करते हैं। एमिंग एंड ब्रीदिंग क्या है? ऑलवेज एम विद ब्रीदिंग एंड परफेक्ट स्टेबिलिटी कैन नॉट बी अचीव विदाउट प्रॉपर ब्रीदिंग। इसका एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है, सुई के अंदर जब भी अपन धागा पिरोते हैं तो क्या करते हैं, सांस रोकना पड़ता है अपने को। सांस अगर नहीं रोका तो क्या होगा, बॉडी हिलती रहेगी, बॉडी हिलती रहेगी तो क्या है, अपन सुई में धागा नहीं पिरो सकते। उसी तरीके से जब आप इसको क्या नाम है शॉट चला रहे हैं, उस टाइम पे आपने क्या करना पड़ेगा, अपने ब्रीथिंग को स्टॉप करना पड़ेगा। अब ये ब्रीथिंग कहाँ पे और कैसे कितना स्टॉप करना है इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। ये क्या चीज है, देखिए, जब सांस लेते हुए पिस्टल को अपन ऊपर उठा के ले गए, प्रिपरेशन एरिया के अंदर हमने हल्का सा ग्रिप को भी चेक कर लिया कि ओके ग्रिप प्रेशर ओके है, साइट को अलाइन कर दिया, ट्रिगर फिंगर को ट्रिगर शू के ऊपर राइट जगह प्लेस कर दिया, ये सारी कार्रवाई हमने 2 से 3 सेकंड के अंदर जायजा ले लिया।
उसके बाद एक्सेल करते हुए हम नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हो गए और ट्रिगर को प्रेस करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद ब्लैक के ऊपर आए, ब्लैक के ऊपर भी हम ट्रिगर कंटिन्यू है, ब्लैक के नीचे पहुंचे, एमिंग एरिया में आ गए। अभी एमिंग एरिया में पहुंचने तक हम लोगों ने 85-90% ट्रिगर खत्म कर दिया। अब सिर्फ इतना ही ट्रिगर बचा हुआ है कि एमिंग एरिया में जो हमारा बेस्ट प्लेस है, जो हमें ये लगता है कि यहाँ शॉट रिलीज होगा तो 10 लगेगा, वहां जैसे ही हम पहुंचे हमने एक हल्का सा इशारा दिया दिमाग से कि अब मेरा रिलीज हो जाना चाहिए, या सिर्फ हमने सोचा कि अब रिलीज हो जाना चाहिए ट्रिगर और हमारा ट्रिगर रिलीज हो गया। दिस इज द बेस्ट वे और यह सब ब्रीदिंग के साथ में होना चाहिए। अगर आप इसमें ब्रीदिंग को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ब्रीदिंग का तालमेल नहीं है, हर बार उतना ही ब्रीदिंग नहीं है, एक बार आपने 90% ब्रीथ एक्सहेल किया और 10% अंदर रोक गया और उस टाइम पे शॉट रिलीज हुआ तो शॉट एक जगह लगेगा। अब अगली बार अगर आपके आपने 80% ही एक्सहेल किया है और ज्यादा ऑक्सीजन अंदर रख लिया, क्यों रख लिया, क्योंकि आप जल्दी आ गए, आप धीरे धीरे नहीं आए, तो ऑक्सीजन लेवल आपके अंदर ज्यादा रह गया, एक्सहेल पूरा नहीं कर पाए, तो उस दौरान आपके साथ में क्या होगा, शॉट ऊपर लग जाएगा। अगले में आपने क्या एक्सहेल कर दिया, पूरा एक्सहेल आपका ब्लैक में पहुंचने से पहले ही एक्सहेल हो गया पूरा, और उसके बाद आपको थोड़ी घुटन सी होने लगी और उसके बाद रिलीज हुआ तो वो शॉट और डाउन आ जाएगा। तो इस चीज को अपने टेक्निक के साथ में, अपने सीक्वेंस के साथ में ऐसा मिक्स करें कि जब आप एक्सहेल करें तो आप एक लिमिटेड वो होना चाहिए, आपके आपका एक पैटर्न होना चाहिए कि मेरा इतना एक्सहेल होने तक मैं एमिंग एरिया में पहुंच जाता हूँ, उसके लिए मुझे 7-8 सेकेंड लगते हैं एक्सहेल करने में। तो आपकी ट्रिगर की प्रैक्टिस भी यह होनी चाहिए कि 7-8 सेकेंड में आप ट्रिगर को स्टार्ट करके एंड तक पहुंच जाएं। अब आपकी साइट की स्पीड भी उतनी ही होनी चाहिए कि ऊपर से लेके 7-8 सेकेंड में आप एमिंग एरिया में पहुंच जाएं। तो तीनों चीजों का जो कोऑर्डिनेशन है वो एक साथ हुआ एमिंग एरिया के अंदर। एमिंग एरिया में पहुंचने का स्पीड आपका 7 सेकंड है, आपका ट्रिगर स्टार्ट से एंड करने का स्पीड 7 सेकंड है, उसके बाद में आपका ब्रीदिंग एक्सहेल होने का स्पीड भी 7 सेकंड है। तो 7 सेकंड का आपका एक ऑप्टिमम जो पीरियड आया, जो टाइम आया है, वो जब एक्सहेल पूरा हुआ उसके बाद 2-3 सेकंड तक आपको ना तो ब्रीदिंग लेने की जरूरत पड़ती है, ना कोई ब्रीथ लेता है, क्योंकि जैसे ही एक्सहेल होता है हमारे पास एक गैप मिलता है, एक विंडो आती है 2-3 सेकंड की। वो हर एक शूटर पे, हर एक इंसान पे अलग अलग डिपेंड करता है कि किसने कितना प्राणायाम, कितनी कार्डियो, कितनी ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कर रखी है। जो योगी मुनि है उनको 10-10 सेकंड का भी गैप चाहिए होता है, 10 सेकंड का गैप भी उनके लिए नॉर्मल है। एक सांस लिया, एक्सहेल किया, उसके बाद 10 सेकंड बाद उनको दोबारा सांस लेने की जरूरत पड़ती है, उनका इनहेल स्टार्ट ही नहीं होता है। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर ब्रीदिंग कैपेसिटी। तो आपने क्या करना है, वो जो 2-3 सेकंड का विंडो आपको मिलेगा, वो उस दौरान 7 सेकंड हो गए, 7 सेकंड के बाद 2-3 सेकंड का आपको विंडो मिला, उसके अंदर आपका ट्रिगर एकदम ब्रेक हो जाना चाहिए और उस टाइम पे आपका एकदम बेस्ट फोकस है, आपका माइंड आपके इस टेक्निक के ऊपर है, आपका कंसंट्रेशन अच्छा है, आपकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि जब ब्रीदिंग एक्सहेल हो चुका होगा ना आप ब्रीथ छोड़ रहे हैं ना आप ब्रीथ ले रहे हैं, वो आपका ऑप्टिमम पीरियड होता है शॉट छोड़ने का, वो आपका सही समय है शॉट रिलीज होने का। उस टाइम पे बॉडी कम से कम मूवमेंट करती है, सांस लेते हुए या छोड़ते हुए अलग अलग तरह के विचार आते हैं। जब हम प्राणायाम पे जाएंगे अगले कभी सेशन में, तब मैं बताऊंगा कि ब्रीदिंग एक्सहेल के टाइम पे कैसे विचार आते हैं और इनहेल के टाइम पे कैसे विचार आते हैं। तो जब ना एक्सहेल कर रहे हैं ना अपन इनहेल कर रहे हैं तो हम एक तरह से विचार शून्य होते हैं, हमारे थॉटलेसनेस की जो स्टेज होती है वो होती है। उस टाइम पे हमें थॉट्स कम से कम आने के चांसेस होते हैं, तो थॉट कम से कम आएंगे तो क्या होगा कि हमारा पूरा फोकस उस चीज पे रहेगा जो हम कर रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं, हमें ट्रिगर रिलीज करना है। तो जैसे ही आपने सोचा कि ट्रिगर रिलीज हो जाना चाहिए, आपका ट्रिगर रिलीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 90% ऑलमोस्ट आप ट्रिगर दबा चुके हैं, अब सिर्फ 10% बचा है। 10% का इंतजार क्या कर रहे हैं कि बेस्ट प्लेस के ऊपर साइट आ जाए और निकल जाए। तो आपने ट्रिगर फिंगर को ट्रेन इस तरीके से करना है कि जैसे ही आपका बेस्ट प्लेस के ऊपर साइट आई, आपकी आंख ने इशारा दिया कि ओके, और उसी टाइम पर ट्रिगर फिंगर ने अपना काम कर दिया, ब्रेक हो गया। उसके बाद फॉलो थ्रो आ जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉलो थ्रो में लोग गलती करते हैं, एक तो क्या गलती करते हैं, फॉलो थ्रो करते नहीं है, और दूसरी चीज क्या है कि फॉलो थ्रो नहीं करते तो चलो एक अलग केस है, लेकिन करना जरूरी क्यों है, इस चीज के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ
करना जरूरी है। देखो कई सारे मिथ इसके ऊपर चले हुए हैं, कई बोलते हैं कि नेक्स्ट शॉट के बारे में पता चल जाता है, नेक्स्ट शॉट का प्रिपरेशन उसी शॉट के फॉलो थ्रू से हो जाता है। कई बोलते हैं कि ये चेक करना चाहिए कि शॉट गया कहाँ पे, या अलग अलग तरह के हैं, मुझे नहीं पता क्या क्या लोग बोलते रहते हैं, मैं सुनता नहीं कभी भी, नेगेटिव चीजें सुननी नहीं चाहिए कभी भी। तो लेकिन मैं जो चीज आपको बता रहा हूँ वो ये है कि फॉलो थ्रू जरूरी क्यों है और उसके बाद इसको करने का मेथड क्या है। तो जरूरी इसलिए है कि मैंने एक सेशन में पहले बताया था कि मैं जर्मनी एक बार ट्रेनिंग के लिए गया था 2012 लंदन ओलंपिक से पहले, जर्मनी गया था ट्रेनिंग करने के लिए, मिस्टर बैंड करके कोई कोच थे बिस्बादन में, तो उनसे मैंने पूछा, मैं फॉलो थ्रो नहीं करता था और मैं शॉट चलाता था बड़ा लॉन्ग होल्ड करके और फॉलो थ्रो करता नहीं था, तो वो बोले कि फॉलो थ्रो इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई यू आर नॉट डूइंग। तो मैंने बोला आई डोंट थिंक सो कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज आई एम हिटिंग गुड शॉट्स। तो बोले नो 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 इट्स इंपॉर्टेंट, इट कैन डिस्ट्रॉय योर स्कोर एंड यू विल इम्प्रूव इफ यू स्टार्ट फॉलो थ्रो। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने करना स्टार्ट किया, लेकिन मेरे अंदर जो है ना वो एक भावना नहीं आई, मुझे नहीं लगा, मैंने वो उसने बोला कोच ने तो मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं, लेकिन इतना वो गहराई से अंदर नहीं बैठा कि करें या नहीं करें, क्योंकि उसके बिना भी मेरा काम चल रहा था। तो कोच ने, कोच तो कोच होता है, उसने भी पढ़ लिया कि नहीं इसने जो है वो मान तो लिया लेकिन इसके दिमाग में चीज नहीं बैठी। तो फिर वो अपनी लैब में लेके गए जहाँ पे उनका काफी सारे R&D होते थे, एक्सपेरिमेंट वो लोग करते थे, तो वहाँ उन्होंने, उनके पास एक सिलेंडर था, उस मेरा जो पिस्टल का सिलेंडर था उसको पूरा खाली किया, उसके अंदर गैस भरी, वो उस सिलेंडर के अंदर गैस कलरफुल गैस थी और वो सिलेंडर उन्होंने मेरी पिस्टल पे लगाया और खुद शूट करने लग गए और उन्होंने बोला कि ठीक है मैं शूट करता हूँ आप इसको देखो। तो मैंने देखा तो जैसे ही शॉट फायर हुआ लगभग 2.5-3 meters तक वो एक रेड कलर का धागा उस पैलेट के पीछे गया, वो जो गैस निकली ना वो गैस रेड कलर की हो गई, अब ये व्हाइट होती है तो हमें दिखती नहीं है लेकिन रेड कलर की गैस उसने भर दी, तो उससे क्या हुआ कि वो मुझे दिखने लग गया गैस, उसी पैलेट के आकार की, पैलेट की साइज में ही गैस निकली और उस पैलेट को लगभग 3 meters तक पुश किया, उसके बाद वो गैस हवा में विलीन हो गई, मतलब उस गैस की जो फोर्स करने की पावर थी वो खत्म हो गई और वो फैल गई। तो वो 2-3 shots उन्होंने किया, लगभग हर बार वहीं तक वो गैस जा रही है और फिर उसके बाद बिखर जा रही है। तो मुझे बोला कि समझ में आया कुछ, मैंने कहा ये समझ में आया, बोले क्या समझ में आया, तो मैंने फिर उनको बताया कि ये जो गैस है वो इस पैलेट को लगभग 2-3 meters तक पुश करती है और उसके बाद इस जो गैस इसके पीछे निकलती है पैलेट को पुश करने के लिए उसकी पावर खत्म होती है। तो उन्होंने बोला यस, अगर 2-3 meters तक शॉट पहुंचने से पहले ही आपने पिस्टल को डाउन कर दिया और आपने फॉलो थ्रो नहीं किया तो क्या होगा, आपका शॉट सही रिलीज हुआ है लेकिन जल्दी आपने पिस्टल डाउन कर दिया उसकी वजह से क्या होगा, शॉट खराब हो जाएगा, वो जो गैस है वो आपके शॉट का डायरेक्शन चेंज कर देगी क्योंकि अभी तक उसका धागा टूटा नहीं है आपकी पिस्टल से, उस गैस का वो निकल रही है और उसको पुश कर रही है, ये नहीं है कि इतने से साइज की गैस निकली और खत्म होगी, वो उसी के पीछे लगभग 3 meters तक जा रही है धागे की तरह, उसके बाद वो कट हुआ है तो वो क्या करेगी उस पैलेट को उसका एंगल चेंज कर देगी, तो आपने सही रिलीज किया उसके बावजूद भी आपको शॉट खराब मिलेगा। तो दिस इज द साइंस बिहाइंड दिस शॉट कि आपको क्यों करना चाहिए फॉलो थ्रो। तो एक तो ये रीजन हो गया, अब दूसरा रीजन क्या है फॉलो थ्रो करने का, अगर आप फॉलो थ्रो करेंगे तो आपके अंदर एक जो बड़ी बीमारी शूटिंग के अंदर पाई जाती है एंटीसिपेशन ऑफ शॉट, वो नहीं आएगा कभी भी। एंटीसिपेशन ऑफ शॉट क्या है और इसके साथ एक और भी चीज है, वो क्या है कि हमारा दिमाग कभी कभी क्या कर लेता है, शॉट रिलीज नहीं हुआ उससे जस्ट एक सेकंड पहले ये कर लेता है कि नहीं फायर हो गया, और हम क्या करते हैं फायर का होना और हमारा डाउन करना एक साथ ही हो जाता है, ठीक है, उस दौरान क्या करते हैं हमारे शॉट जो है वो 11 o'clock ऊपर की साइड में शॉट हमारे जाने शुरू हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि क्यों जा रहे हैं, कोई बोलता है रिस्क तोड़ रहा है, कोई बोल रहा है पैलेट चेंज कर लिया, कोई बोल रहा है वेलोसिटी खराब हो गया, अलग अलग तरह की बातें आती हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या ये एंटीसिपेशन ऑफ शॉट है, आप इधर से भी प्रेशर लगा रहे हैं, इधर से भी प्रेशर लगा रहे हैं और क्या कर रहे हैं फॉलो थ्रो नहीं कर रहे, तो जल्दी डाउन करने, शॉट जब भी फायर होता है किसी भी बंदूक से तो क्या होता है ऐसे घूमता हुआ जाता है, वो ऐसे घूमता है, ठीक है, तो ऐसे घूमते हुए शॉट जाएगा तो वो आपका ये 11 o'clock का डायरेक्शन लेगा, तो 11 o'clock के जब भी आप रिकॉयल आता है किसी भी स्केट पे ट्रेनिंग करते हैं तो स्केट वालों को ये चेक कर सकते हैं या नेट पे गूगल पे जा करके आप स्केट ट्रेनिंग को जब भी चेक करेंगे तो उसमें जो रेड लाइन आती है शॉट फायर होने के बाद में फॉलो थ्रो वाली, वो देखिएगा हमेशा 11 o'clock की लाइन में आती है,
11 बजे की लाइन में क्यों आती है, जैसे ही शॉट फायर हो जाता है बुलेट हमारे बैरल को ऐसे 11 बजे की लाइन में पुश करके बाहर निकलती है, चाहे वो 0.22 में हो, चाहे 3.2 में हो, चाहे अपना एयर पिस्टल के अंदर हो, जो ग्रूज बने हुए होते हैं बैरल के अंदर, आप बैरल को कभी भी खोल करके अंदर से देखेंगे तो उसमें ग्रूज बने हुए हैं, वो ग्रूज ऐसे पैलेट घूमता हुआ जाता है और वो उसको 11 बजे की लाइन में पुश करता है, तो वो शॉट उधर चले जाते हैं 11 बजे की लाइन में। अगर आपने फॉलो थ्रो नहीं किया तो वो 11 बजे वाली लाइन के शॉट और ज्यादा ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए भी फॉलो थ्रो बहुत जरूरी है कि शॉट फायर होने के बाद में भी आप एकदम कंसिस्टेंट स्टडी होकर के साइड को वैसा ही देखते रहें। और उस टाइम पे आपका क्या काम है फॉलो थ्रो के दौरान, फॉलो थ्रो के दौरान आपने कॉल द शॉट करना है, चेक करना है, ये भी एक पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है, ये भी शेड्यूल में डाला जाता है कि शॉट फायर किया आपने और आप टारगेट नहीं देखा, आपने डायरी के अंदर टारगेट का ग्राफ बना रखा है, उसका एकदम एक फोटो बना रखी है और उस पर आपने मार्क किया कि हाँ एक नंबर शॉट मेरा इधर लगा 12:10 में लगा, उसके बाद 2 नंबर शॉट लगा मेरा नीचे 6:10 में लगा, 3 नंबर शॉट लगा मेरा 9:10 में लगा, 4 नंबर शॉट लगा मेरा 9:09 में लगा। तो ये आपने मार्किंग किया है हर शॉट का। अब क्या करना है, टारगेट को देखना है 10 शॉट के बाद में या हर शॉट के बाद में, अगर इलेक्ट्रॉनिक है तो आप देख सकते हैं एक एक शॉट का उसमें आ जाएगा कौन सा शॉट कहाँ पे था। तो ये अगर आपका मैच हो रहा है इट मींस कि आप सही कर रहे हैं, साइट पे फोकस आपका सही है, ठीक है। और अगर ये आपका गलत आ रहा है, कॉल द शॉट सही नहीं हो रहा है, इट मींस कि आपका फॉलो थ्रो सही नहीं है एंड साइट के ऊपर नजर नहीं है, कब, जब शॉट फायर हो रहा है। तो फॉलो थ्रो करने का बेस्ट वे क्या है, आप सिर्फ इस चीज को पकड़ लीजिए, छोड़ दीजिए पूरी साइंस को, कि जब मेरा शॉट निकलेगा, जब रिलीज होगा उस टाइम पे मुझे साइट को देखना है कि मेरी साइट कैसी थी, एंड ऑफ द शॉट, एंड ऑफ द मोमेंट मेरी साइट कैसी रहती है, मुझे ये देखना है। अगर आप ये देख पाए तो उतनी देर में आपका फॉलो थ्रो हो गया, 1 सेकेंड 1.5 सेकेंड काफी है फॉलो थ्रो के लिए, 3-4 सेकेंड तक भी लोग करते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन 1 सेकेंड इनफ है फॉलो थ्रो के लिए। 1 सेकेंड के कुछ हिस्से में शॉट आपका टारगेट में पहुंच जाता है पहले ही, तो 1 सेकेंड काफी है। उस 1 सेकेंड में आपको यह भी पता चल जाएगा कि मेरी साइट इस साइड में थी तो मेरा शॉट इधर गया होगा, तो इससे आपकी ब्रेन की इंटेलिजेंस भी बढ़ेगी, आपके आइडियाज बढ़ेंगे कि मेरी साइट इधर थी तो लगभग हर बार मेरी इधर ही आ रही है, तो मुझे एक क्लिक इधर दे लेनी चाहिए या मुझे थोड़ा सा इस साइड पे काम करना चाहिए, मेरे इस साइड में नहीं रखना है या जो कुछ भी है, आप एनालाइज कर पाएंगे अपने आप को। तो ये एक फॉलो थ्रो से जुड़ी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में साइट की जो मैं बता रहा था कि साइट को देखते रहना है एंड ऑफ द मोमेंट, तो साइट को अगर आप देखते रहेंगे तो क्या होगा, आपकी साइट वाली गलतियां बिल्कुल नहीं होंगी और टारगेट फोकस जिन लोगों का हो जाता है, अगर फॉलो थ्रो आपने किया और जो ये मैंने पैटर्न बताया है इस तरीके से किया तो आपका टारगेट फोकस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपने अपने आप को किसी में बिजी कर दिया कि एंड ऑफ द मोमेंट, एंड ऑफ द शॉट आपने साइट को देखना है कि जब मेरा शॉट फायर होता है तो मेरी साइट कैसी रहती है। अगर आप ये देख पाए कैसी रहती है तो आप ये 100% बता पाओगे कि मेरी साइट इधर थी तो मेरा शॉट इधर गया होगा। तो आप कॉल द शॉट, हिट एंड कॉल, हिट कहाँ पे हुआ और आपने कहाँ पे कॉल किया, लगा कहाँ पे और आपने कहाँ बताया, इसके बीच में वेरिएशन कम से कम हो जाएगा। आप 10.5 बताओगे तो 10.4 या 10.6 ही होगा शॉट, लेकिन इससे ज्यादा का गैप नहीं आएगा, मतलब आप जितना हो सके धीरे 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 अच्छी कॉलिंग करने लग जाएंगे तो शॉट निकलने के बाद में आपको टारगेट देखने की जरूरत नहीं रहेगी, आप खुद ही बता दोगे मेरा यहाँ लगा। एक तो ये चीज हो गई आपकी। इसके अलावा ये जो इतना मैंने अभी तक यहाँ तक की चीजें बताई, इसमें किसी को अभी कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो सर मैं ले सकता हूँ। यस सर, जैसा आप बता रहे हैं और आपको लोग देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, ऐसे ही हमारे फेसबुक चैनल पे भी हमें हमारे श्रोतागण सुन रहे हैं और आपको देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं। उनमें से एक कुणाल है, उनका एक प्रश्न है कि शॉट कैंसिल नहीं कर पाता हूँ, यानी जब मैं एमिंग एरिया में आता हूँ तो उनकी तकलीफ ये है कि कई अगर उनका कुछ बैलेंस गड़बड़ होता है या प्रीथन कंट्रोल होती है फिर शॉट चला देते हैं जब भी उनको कैंसिल करना था, तो ऐसा क्या सजेशन है जिसको वो फॉलो करें और अपने शॉट को सुधार पाए। देखिए तो कैंसिल नहीं कर पाते हैं इसके लिए, ये वैसे तो कल मैं पूरा
क्लास ही इसी के ऊपर ले रहा हूँ, लेकिन आपका क्वेश्चन है तो मैं बताता हूँ। देखिए, आजकल का जो खान पान है, रहन सहन और हमारी लाइफस्टाइल है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया है कि हमारी विल पावर कमजोर हो गई है, हम थोड़े से कम जिद्दी हो गए हैं, हमारे अंदर जिद नहीं बची है, कॉम्प्रोमाइज बहुत करने लग गए हैं लाइफ में हर चीज के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक तरह का कॉम्प्रोमाइज है। आप अगर शॉर्ट कैंसिल नहीं कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो अपनी साइट के साथ में, अपने रिजल्ट के साथ में, अपनी सिक्वेंस के साथ में और अपनी टेक्निक के साथ में। आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया और मंजूर कर लिया, अपने आप को इजाजत दे दी कि नहीं, साइट तो डाउन है लेकिन थोड़ा सा क्या करें, साइट ऐसे डाउन होगी लेकिन थोड़ा सा चलो एडजस्ट करके ऊपर करके चला देता हूँ। तो ये डिसीजन किसने लिया, ये आपने लिया डिसीजन, दिस इज योर डिसीजन टू शूट विद ए रॉन्ग साइट। ठीक है, तो आपने डिसीजन लिया तो इसमें कोई दूसरा आदमी जिम्मेदार नहीं है। ये किस चीज की प्रॉब्लम है, ये आपके विल पावर की प्रॉब्लम है, आपने अपनी विल पावर को डेवलप करना है। अच्छा, हम हर चीज के लिए ट्रेनिंग करते हैं लेकिन विल पावर को डेवलप करने के लिए क्या करते हैं, डेली दिनचर्या के अंदर या हमारे ट्रेनिंग शेड्यूल के अंदर, ट्रेनिंग पावर जो प्रोग्राम है उसके अंदर विल पावर को इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं। जितने मेरे ख्याल से अभी लोग जुड़े हुए हैं, एक भी मेरे को ये नहीं बता पाएगा कि विल पावर के लिए सर मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ, नहीं कर रहे तो क्या करें, ये विल पावर कैसे डेवलप होगी, ये जो शॉर्ट कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं, ये जो लेजीनेस है आपके अंदर, ये कैसे जाएगी, तो इसके लिए क्या करें, छोटे छोटे अभ्यासों से ये चीज आएगी। आप अपने आप को अपने प्रैक्टिस के अंदर ही चैलेंज करना शुरू कर दीजिए कि ठीक है, आज मैं जो प्रैक्टिस करूंगा तो इस प्रैक्टिस के, ये जो 10 शॉट चलाऊंगा, इस 10 शॉट के अंदर अगर मैं 9 से बाहर मारता हूं तो आज पूरा दिन मैं मोबाइल बाहर नहीं लगाऊंगा। तो ये आपने अपने आप को एक चैलेंज दे दिया, तो एक तो आपने इनडायरेक्ट प्रेशर भी दे दिया अपने आप को कि एक प्रेशर का पार्ट बन गया कि पूरे दिन मोबाइल नहीं चला पाऊंगा। तो आजकल मोबाइल मतलब खाना एक दिन मिस कर सकते हैं बच्चे या बड़े कोई भी हैं, लेकिन मोबाइल अगर 10 मिनट के लिए भी कहीं हो गया, उसकी स्क्रीन टूट गई, बैटरी डाउन होगी, तो आदमी दवाई के लिए इतना जल्दी भाग करके मेडिकल स्टोर नहीं जाएगा जितना कि मोबाइल की बैटरी चार्ज करने में भागेगा। ठीक है, तो आप अपने आप को इसी चीज़ों के लिए चैलेंज दीजिए, मोबाइल से रिलेटेड ही दे दीजिए कि ये 10 शॉट में अगर मैंने एक भी 8 मारा तो मैं क्या करूंगा, पूरा दिन मोबाइल नहीं चलाऊंगा, या फिर मैंने इस 10 शॉट के अंदर 5-10 नहीं मारे तो आज पूरा दिन व्हाट्सएप नहीं खोलूंगा, अगर मैंने आज पूरा मैच में कर रहा हूँ 600 शॉट का तो उस 600 शॉट के अंदर अगर मेरा स्कोर 570 या आपको पता होगा आपके जिसका जो लेवल है 570, 580, 585, 595, 560 जिसका जो टारगेट है वो टारगेट आप पकड़ सकते हैं और चैलेंज कीजिए कि एक हफ्ते तक मैं फेसबुक नहीं खोलूंगा या मैं अगले 10 दिन तक मीठा नहीं खाऊंगा। आपको जो डिश पसंद है, कोई समोसा खाता है, कोई मीठा खाता है, कोई कुछ करता है, चैलेंज कीजिए अपने आप को और लीजिए उस चैलेंज को और 100%, क्योंकि इस चैलेंज का, इस आपने जो शर्त लगाई है अपने साथ में, इसका कोई साक्षी नहीं है। आपको अपने अंदर साक्षी भाव पैदा करना है, अपने प्रति ईमानदारी रखनी है और 100% निभाना है। अदरवाइज आप गए थे विल पावर को डेवलप करने के लिए और हो जाएगा क्या, आप झूठे और बन जाओगे। दुबे जी गए, क्या नाम, चौबे जी गए थे छब्बे जी बनने, दुबे जी बन के आ गए। ठीक है, तो ये कहानी हो जाएगी आपके साथ में। तो इसलिए क्या करना है, अपने साथ पूरी ईमानदारी रखनी है कि मैं ये शॉट, ये जो मैच कर रहा हूँ, ये 575 से कम रहा तो अगले 10 दिन तक मीठा नहीं खाऊंगा या 1 साल तक नए कपड़े नहीं खरीदूंगा, मेरे जूते फटे हुए, मैं फटा हुआ जूता पहन के ही स्कूल जाऊंगा या रेंज पे जाऊंगा, ऐसा करो। या फिर और अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, चैलेंज करना है, तो अगले मैच में जब मैं रेंज पे जाऊंगा तो 2 कलर के सॉक्स पहन के जाऊंगा, कार्टून बन के जाऊंगा सबके सामने, लोगों को हंसने दो मेरे ऊपर, बिकॉज मैं हूं ही हंसने लायक। अपने आप को कीजिए चैलेंज, ऐसा बड़े बड़े चैलेंज कर सकते हैं। सर मुंडवाने का चैलेंज कर लो कि मैं टकला करवा लूंगा अगर मैं इतना नहीं कर पाया तो आप चैलेंज दोगे तो आपका विल पावर स्ट्रांग होगा, आप उस चीज के लिए फाइट करेंगे। अदरवाइज क्या, चैलेंज तो है ही नहीं कुछ, डेली ट्रेनिंग किए जा रहे हो, ट्रेनिंग में चैलेंज नहीं दे रहे और मैच वाले दिन एकदम से बड़ा सा चैलेंज आके सामने खड़ा हो जाता है, तो उस दिन वो सब कुछ आपके लिए एकदम डिफरेंट हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ। ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले एक टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रोग्राम था जब काफी सारे ओलंपियंस को इनको दिल्ली के ताज होटल में प्रोग्राम था, उसमें बुलाया था, तो बैडमिंटन खिलाड़ी जो नेहवाल है वो आई हुई थी, तो उसका उसने बताया था कि कोई मीडिया वाले उनसे पूछ रहे थे कि आपको केक, चॉकलेट केक बहुत पसंद है, आपने ओलंपिक से पहले जो उनके कोच हैं गोपीचंद जी, उन्होंने छुड़वा दिया था, तो बोले कि आपने मेडल लेते सबसे पहले क्या किया, तो बोले सबसे पहले मैंने खूब सारा केक खाया ओलंपिक से पहले, 1 साल पहले मेरे को चैलेंज मिला था कि ओलंपिक में मेडल नहीं लेगी तब तक केक नहीं खाएगी,
तो उसको जो सबसे फेवरेट चीज थी उसकी, उसने वो चैलेंज ली और छोड़ी और निभाया, उसको ओलंपिक का मेडल लिया, मेडल लेते दबा के खाई। तो ऐसे चैलेंज ले लेकर के आपने अपनी विल को डेवलप करना है। एक चैलेंज आपके पास डेली होना चाहिए जिससे कि आप एक दृढ़ता आपके अंदर आए, आपके अंदर एक कट्टरता आए, एक वैराग्य आए कि नहीं ये चीज मैंने आज चैलेंज ली है, मैं नहीं कर पाया तो मैं इसको, इस प्रण को निभाऊंगा, इस प्रतिज्ञा को निभाऊंगा। सबसे बड़ी प्रतिज्ञा निभाने वाले का अगर उदाहरण लेना है तो महाभारत से पितामह भीष्म का उठा लीजिए, जिनको भीष्म नाम ही इसी चीज के लिए पड़ा था कि उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं ये चीज जिंदगी में नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, आजीवन उन्होंने उस चीज को निभाया। तो एक आदमी आजीवन कई सौ साल जो आदमी जिंदा रहा, जिसको जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो आदमी इतने लंबे उम्र तक जिया और वो उस प्रतिज्ञा को निभाया, तो आप लोग क्या 10-20 दिन या 2-4-5 साल तक किसी अपने कमिटमेंट को निभा नहीं सकते क्या? मूवी देख के तो बड़ा जोश आता है सलमान खान की कि मैंने एक बार जो कमिटमेंट कर दिया, मैं अपने भी नहीं सुनता, बाप की भी नहीं सुनता। तो आप लोग वो डायलॉग तो बड़े अच्छे लगते हैं, कमिटमेंट किया क्या, आपने सीखा क्या उस मूवी से? कीजिए ना कमिटमेंट अपने आप से कि मैंने अगर ये स्कोर नहीं किया जब तक मैं 570 नहीं मारने लग जाऊंगा, जब तक मैं एक भी एट मार रहा हूँ पूरे मैच में तब तक मैं ये काम नहीं करूंगा, या मैं व्हाट्सएप नहीं चलाऊंगा, या जूते नहीं खरीदूंगा, कपड़े नहीं खरीदूंगा, मीठा नहीं खाऊंगा, चाय नहीं पीऊंगा, कुछ भी कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि यही पार्टिकुलर कीजिए, जो आपका दिल करे, जो आपके लिए थोड़ी सी अहमियत रखने वाली चीज हो, ऐसा चैलेंज कीजिए और चैलेंज लीजिए, आपकी विल डेवलप हो जाएगी। और उसके बाद जिसकी विल है, जिसके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, वो सब कुछ पा लेता है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक चीज कही थी कि आदमी सब कुछ हार करके, सब कुछ लूटने के बाद नंगा होके सड़क पे आ गया, तब तक भी वो नहीं हारा है, नहीं लूटा है, अगर उसने अपने अंदर वापस पाने की उम्मीद नहीं खोई। तो आप इस उम्मीद को जगा के रखिए, इस दृढ़ता को जगा के रखिए, अपने एक विल पावर को जगाइए। ये बड़ी काम की चीज है, बहुत बड़ी चीज है। ये जितना कुछ मैंने बताया है उस सबसे ज्यादा बड़ी चीज ये है, आपकी विल। आपके अंदर विल नहीं है एक टेन मारने की, नहीं मार सकते जितना मर्जी अच्छी टेक्निक लेकर के आओ आप। थैंक यू सर, मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कोई हो तो प्लीज बताइए। ओके, एक क्वेश्चन आया है कि एक्सेलिंग के टाइम पे साइट डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, तो एक्सेलिंग के टाइम पे साइट डिस्टर्ब हो रही है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैं इसी चीज के ऊपर बता रहा था कि एक्सेलिंग और इनहेलिंग, एक्सेल और इनहेल दोनों, ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये योग के थ्रू बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ब्रीदिंग जो है योग का पार्ट है, योग प्राण का पार्ट है, प्राण है, प्राणायाम है, ब्रीदिंग है, ये सब योग के अंदर आता है। तो उसके अंदर जब अपन डीप स्टडी करते हैं तो उसमें ये बताया गया है कि इनहेल के टाइम पे हमारे दिमाग में अलग तरह के विचार रहेंगे और एक्सहेल के टाइम पे अलग रहेंगे। ठीक है, तो एक्सहेलिंग में आपकी अगर साइट डिस्टर्ब हो रही है तो क्या हो रहा है, एक्सहेलिंग के दौरान आपका ग्रिप लूज हो रहा है। ठीक है, तो इनहेल के टाइम पे आप टाइट कर रहे हो या वहां से वापस आते टाइम पे उस ग्रिप के प्रेशर को कंसिस्टेंट नहीं कर रहे हो, इसलिए एक्सहेल करते हुए जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो आपकी रिस्ट अनलॉक हो रही है, आपकी ग्रिप ढीली पड़ रही है, आपका प्रेशर पॉइंट्स जो है वो सही तरीके से मेंटेन नहीं है नीचे आते हुए, इसलिए साइड डिप किए जा रही है आपकी। ये आपके सवाल का जवाब है। तो इसलिए आप प्राणायाम ज्यादा से ज्यादा स्टार्ट करें ताकि आपको ये चीज इफेक्ट ना करे कि इनहेल और एक्सहेल के अंदर आपका बॉडी का एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, बदल रहा है, तो वो बदले ना, इसके लिए आप इस चीज को ट्राई कर सकते हैं। So, है होल डीप बाहर टाइम फायर करें, ऐसा क्वेश्चन है हमारे एक व्यूअर का कि क्या सटी छोटा कैसे होगा।
नेक्स्ट है सर शोल्डर पोजीशन के बारे में बताइए। शोल्डर पोजीशन के बारे में कल पोजीशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि शोल्डर का पोजीशन क्या होना चाहिए। आपके लेफ्ट एंड राइट शोल्डर का जो पोजीशन है वो एक लाइन के अंदर होना चाहिए। मैं आपको एक बार फिर से ये पीपीटी दिखा करके आपको बताता हूँ। देखिए ये अपना ब्रीदिंग था, ब्रीदिंग पे जहाँ हम ब्रीद रोक रहे थे, और ये पार्किंग है साइट के अंदर। ये बिगिनर के लिए है, बिगिनर जितना शूटर होता है वो ब्लैक से जितना हो सके दूर एम करे थोड़ा सा, और जब अपनी होल्डिंग अच्छी हो जाती है, शूटर थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है, उसके बाद ब्लैक के नजदीक आ सकता है। फॉलो थ्रो के ऊपर मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर आप शोल्डर की पोजिशन देखिए, ये जो राइट हैंड का शोल्डर है, राइट शोल्डर और लेफ्ट शोल्डर एकदम से अलाइन है। ये शोल्डर अगर आगे की साइड में आ जाता है तो भी पोजीशन गलत है, ठीक है। तो शोल्डर की पोजीशन जो लॉक करने का तरीका है वो मैंने आपको बताया था कि ब्रीदिंग के साथ में उठाना है और ब्रीदिंग एक्सहेल करते हुए वापस आना है। अब शोल्डर लॉक कैसे होता है उसका मैंने कल एक तरीका बताया था कि आप अपने उसके अंदर हाथ के अंदर कोई भी वो पकड़िए, डंबल या कोई बोतल ऐसा कुछ करिए, और उसको क्या कीजिए, पकड़िए मत, ऐसा कीजिए। आपको पकड़ने में फिर आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं, कल भी मैंने बताया था लेकिन नहीं कर पाए हैं कई लोग, तो उनके और इजी करने के लिए मैं बता देता हूं। आपने क्या करना है, हाथ के ऊपर यहाँ पे जहाँ पे घड़ी बांधते हैं वहां पे एक रस्सी या बेल्ट या कुछ भी बांध लीजिए, और उसके नीचे 1 से 1.5 kg वजन लटका दीजिए। उसके बाद अपनी शूटिंग पोजीशन में आ जाइए, ठीक है। तो अब आपकी उंगलियों का कोई रोल नहीं है, उंगलियों का रोल नहीं है तो आपने इन मसल्स की सहायता नहीं ली है फोरआर्म की। अब आप हाथ सीधा उठाएंगे और आपको होल्ड करके रखना है, तो आपका होल्ड कहां से होगा, कंधे की मसल से होगा, कंधे की मसल होल्ड कर रही है उसको। तो ये जो स्टेबिलिटी आपने कंधे की मसल से ली है, और कंधे से होल्ड करना सीखे, कंधे की मसल को यूज करना सीखे, और कंधे की मसल को पहचान गए कि कंधे से होल्डिंग क्या होती है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। यही आप पिस्टल पकड़ने के बाद में आनी चाहिए, सिर्फ सिंपल सी चीज है। तो आप कल मैंने बताया था कि पकड़ के करना है, लेकिन इसमें भी आप लोग नहीं मेरे ख्याल से उसको कर पाए हो, तो कोई बात नहीं है। आप एक काम कीजिए, यहाँ पे घड़ी की जगह पे एक रस्सी या बेल्ट कुछ भी बांधिए, उसके नीचे 1.5 kg वजन लटका दीजिए, उसके बाद शूटिंग पोजीशन में आ जाइए, और उसके बाद में क्या होगा, आपके जो मसल कंधे वाली है, शोल्डर वाली है, यही पिस्टल को या जो वेट आपने लटकाया है उसको उठाएगी, तो उसको उठाएगी। तो ये जो स्टेबिलिटी है, आप चौंक जाएंगे कि आप जो हाथ से ताकत से रोक रहे थे उससे 1000 गुना बेटर स्टेबिलिटी आपको कंधे से होल्ड करने में मिलेगी, और आसानी के साथ में आप एक तो बहुत ही कम थकेंगे, बहुत कम मूवमेंट होगा, और मजा आ जाएगा। आप करके देखिए एक बार इस चीज को, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, करके बाद में कमेंट करना कि आपको कैसा लगा, और आया कि नहीं आया ये चीज, नहीं आया तो फिर बताइए, फिर और नए तरीके से बताऊंगा। और अभी इसके बाद जो नेक्स्ट चीज के ऊपर मैं बता रहा था वो आपको बता रहा हूँ, अभी एक पॉइंट अपना छूटा हुआ है। फॉलो थ्रो तक अपन पहुंच गए थे, उसके बाद में नेक्स्ट अपना क्या है, मैच प्रिपरेशन एंड प्रेशर। मैच प्रेशर के ऊपर बाद में जाएंगे, मैच प्रिपरेशन के ऊपर आ जाते हैं। अभी आपके मेरा शायद 2015 का फोटो होगा, किसी कंपटीशन के अंदर था, तो ये मैच का फाइनल स्टार्ट होने के जस्ट पहले का फोटो है, ये जो फोटो है। आप क्या करते हैं मैच स्टार्ट होने से पहले या मैच का फाइनल स्टार्ट होने से पहले क्या करते रहते हैं, बकवास करते रहते हैं दूसरे शूटर्स के साथ में, ठीक है, सिंपल भाषा में मैं अगर कहूँ तो, क्योंकि उस टाइम पे आपके पास में कोई इंडिया चाइना की डील नहीं कर रहे हैं कि आपके पास इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आप ही डिसाइड करेंगे देश का भविष्य। उस टाइम पे आप एक शूटर हैं, चाहे आप कितने बड़े कलेक्टर हों,
दैट टाइम यू आर पार्टिसिपेटिंग इन फाइनल, यू आर जस्ट ए शूटर. भूल जाइए आप बिजनेसमैन हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, स्टूडेंट हैं, या आप सिर्फ एक स्पोर्ट्समैन हैं, आप सिर्फ शूटर हैं जब फाइनल चला रहे हैं. तो बाकी सारी चिंताओं को, बाकी सारी जिम्मेदारियों को पहले तो साइड में कर दीजिए, और उसके बाद में आपने करना क्या है मैच के अंदर, फाइनल किस तरीके से चलाना है, आपकी मैच की प्लानिंग क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, उस चीज के बारे में सोचिए और प्लान कीजिए. ये प्लानिंग चल रही है कि मैच का प्रिपरेशन टाइम स्टार्ट हो गया है और अभी स्ट्रेटजी बन रही है कि मैच कैसे चलाना है, किस मानसिकता से चलाना है, पहला शॉट क्या सोच के चलाना है, नेक्स्ट क्या सोच के चलाना है, अच्छा चला तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, खराब चला तो क्या पॉइंट पकड़ना है, उसके ऊपर चला के वापस से कम बैक करना है. ये सारी स्ट्रेटजी आपकी इस टाइम पे बन रही है. मैच चालू है, फाइनल के 5-6 शॉट हो गए हैं, अच्छा चल रहा है, गोल्ड मेडल मिलने वाला है, 2 शॉट बचे हैं और दिमाग के अंदर थॉट्स आने शुरू हो गए हैं कि नहीं मैं अभी तो मैं 4 पॉइंट की लीड दे रखी है, दोनों शॉट कैसे भी लगे दूसरे से मेरी इतनी अच्छी लीड है कि अब तो गोल्ड मेडल मेरा ही है, पुराना ढिमकाना, कुछ भी थॉट दिमाग के अंदर आ सकता है. उस ड्यूरिंग क्या करना है, आपके पास सबसे बड़ा साथी है लुखोई. अभी ये जो पिक्चर ली थी श्रीनिवासन सर थे, टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स में काम करते हैं वो, उन्होंने मेरे को बाद में ये फोटो भेजी थी, उनके ये फोटोग्राफी है पूरी. तो ये इस टाइम पे क्या चल रहा है, ये प्राणायाम चल रहा है, ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान चल रहा है. अब किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है कि शूटर यहाँ पे खड़ा हुआ क्या कर रहा है, और आप किसी भी स्टेज में कहीं भी खड़े हुए कुछ भी कर सकते हैं जो आपसे शूटिंग में आपको हेल्प करने वाली चीजें हैं. तो यहाँ पे क्या करना है, जब ऐसे थॉट आने शुरू हो गए या कुछ भी दिमाग में भूचाल चलना शुरू हो गया, आपने अनुलोम विलोम स्टार्ट कर देना है, या 6-3 प्राणायाम जो मैंने आपको बताया था, 6 सेकंड इनहेल, 3 सेकंड स्टॉप, उसके बाद 6 सेकंड एक्सहेल, 3 सेकंड स्टॉप, ये वाली एक्सरसाइज शुरू कर देनी है. अपने दिमाग को उन विचारों से हटाना है और आप वापस ब्रीदिंग के ऊपर आएंगे. और ब्रीदिंग आपका एक ऐसा साथी है कि आप मेडिटेशन करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए किसी भी आर्टिफिशियल वस्तु का इस्तेमाल कर लिया, किसी भी मशीन का इस्तेमाल कर लिया, हो सकता है किसी वक्त वो चीज आपके साथ में नहीं है तो आप वो प्राणायाम, वो मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपकी सांस जब तक आप जिंदा हैं आपके साथ में रहेगी. तो सांस से प्राणायाम करना या मेडिटेशन करना अगर आपने सीख लिया तो आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है आपका मेडिटेशन करने के लिए, दिमाग को सेंटर में लाने के लिए, प्राणायाम करने के लिए, या अपने कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए, अपने जिस चीज में जो काम कर रहे हैं उसमें बने रहने के लिए, क्योंकि सांस आपकी हर वक्त चल रही है. तो आप क्या है, इस चीज को कंटिन्यू रख सकते हैं. ठीक है, ये हो गया आपका मैच के टाइम पे स्ट्रेटजी, मैच में आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं. ये है वॉक ऑन द वॉल. तो ये जो मेरा एक टॉपिक यहाँ पे छुटा था, आप देखिए, ये मैच प्रेशर के बारे में मैंने बताया, प्रेशर के बारे में तो ये बताता हूँ. प्रेशर, ये है प्रेशर, ये जो दीवार के ऊपर बच्चे चल रहे हैं, ये आप देखिए लगभग 1.5 से 2 फीट चौड़ी दीवार है, लेकिन सभी बच्चों के हाथ जो है साइड में खुल गए. क्यों खुल गए, बैलेंस बनाने के लिए कि गिर न जाए. लेकिन यही 1.5 से 2 फीट चौड़ी दीवार को, जिसकी जो हाइट है वो मैं खत्म कर दूं और जमीन के ऊपर इसको रख दिया जाए, सिर्फ मार्किंग कर दी जाए इतनी चौड़ी, तो क्या बच्चों के हाथ साइड में खुलेंगे बैलेंस बनाने के लिए? जवाब यही आएगा कि नहीं खुलेंगे. क्यों नहीं खुलेंगे, क्योंकि अब डर नहीं है. जैसे ही डर आया हमने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना शुरू कर दिया. अभी बच्चे को गिरने का डर है, गिरने का डर है तो क्या हाथ खोल दिए साइड में बैलेंस बनाने के लिए. ठीक है, तो यही चीज है, यही इतनी ही चौड़ी अगर पट्टी में जमीन पे आपके कमरे के फर्श में बना दूं तो किसी बच्चे के या बूढ़े के, बड़े के, किसी के भी हाथ साइड में नहीं खुलेंगे बैलेंस बनाने के लिए या उस गिरने के डर से. क्यों नहीं, क्योंकि अब डर नहीं बचा. अब गिरने के बाद जो चोट लगने वाली है उसका डर नहीं बचा. ठीक है, तो इस चीज का अपने मैच से क्या ताल्लुकात है, मैच से ये ताल्लुकात है जितनी चौड़ी ये दीवार है उतनी ही चौड़ी दीवार आपके मैच और प्रैक्टिस के बीच में है. मैच और प्रैक्टिस के बीच में कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ आपकी इमेजिनेशन है कि मेरा शॉट खराब ना लग जाए. ये खराब ना लग जाए का जो डर है यही आपको खराब करता है, यही आपके शॉट्स को गलत तरीके से चलवाता है, यही एंजाइटी लेके आता है, यही विचार लेके आता है, यही प्रेशर लेके आता है, या कुछ भी प्रॉब्लम आप कहें, ट्रिगर ब्लॉक हो जाना, ट्रिगर फिंगर नहीं चल रही है, हाथ का कैंट हो जाना, गर्दन का घूम जाना, पसीना आना, हथेली में पसीना आना, कान गर्म हो जाना, हार्ट बीट बढ़ जाना, टांगे कांपना, तरह तरह की प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं जो शुरू हो जाती हैं. लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ कंपटीशन का नाम बदला है. बाकी 10 मीटर का डिस्टेंस उतना ही है, लाइट वैसी ही है,
आपकी पिस्टल वही है, ट्रिगर 500 ग्राम का है, पैलेट वही है, आपके जूते, चश्मा, कपड़ा सब कुछ वैसा का वैसा ही है, टाइम भी उतना ही है, टेंट का साइज उतना ही है, टारगेट का साइज उतना ही है, टाइम आपको मैच के लिए जो दिया गया है 1.25 घंटे का तो उतना ही है, कुछ भी नहीं बदला। उसके बाद आपके दिमाग में विचार क्यों बदल गए, आपका स्कोर क्यों बदल गया, होम रेंज में 580 मार के आए, नेशनल में 560 मारा, क्यों मारा भाई, क्या हुआ? तो हुआ क्या, ये जो बच्चे कर रहे हैं यही आपने किया है। तो इस चीज को दिमाग में बिठाएं कि मैच और प्रैक्टिस के बीच में डिफरेंस क्रिएट नहीं करना है, बदलना नहीं है, कुछ भी नहीं बदलना है, आपका सिर्फ नजरिया बदला है, एक्चुअल में कुछ नहीं बदला है। तो इस नजरिए के ऊपर कायम रहे और इसको नहीं बदलना है। इसके ऊपर कल में जो अपना साइकोलॉजिकल चैप्टर रहेगा, साइकोलॉजी कल पूरे दिन अपन साइकोलॉजी पे ही बात करेंगे, तो उस पर आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि ये क्यों बदलता है, इसको ये डर जो है वो आता कहाँ से है, इसको खत्म कैसे किया जाए, तो इसके ऊपर अपन पूरी बात करेंगे डर के ऊपर। तो ये आज का चैप्टर था मेरा मोटा मोटा जो आपको मैंने समझा दिया है। अभी इसके आगे अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे बड़ी खुशी होगी लेने में। जी सर, एक क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि मैच या प्रैक्टिस के पहले मुझे कितना देर होल्डिंग करना चाहिए, डंबल से करे या फिर क्या नाम है जो मैच से पहले वॉल होल्डिंग कितना करें, क्योंकि एक्यूरेट नहीं हो पाने से कभी लगता है कि कम प्रैक्टिस रह गई मैं तब मैच जो है मेरा इफेक्ट हो जाता है, कभी लगता है कि मेरे ज्यादा कर ली उसके वजह से मैच इफेक्ट आ जाता है। तो कुछ ऐसे मुझे गाइड करें कि कितना एक्यूरेट और कैसे करें, कितना साइज का डंबल हो या फिर वॉल होल्डिंग कितनी हो, तो इसके ऊपर से एक सवाल है, तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ अपना सजेशन दें। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, डंबल होल्डिंग या वॉल होल्डिंग जो भी है एक ही चीज है, लेकिन डंबल होल्डिंग मैं सजेस्ट करता हूँ ट्रेनिंग के दौरान, लेकिन जो मैच से जस्ट पहले है वो आप ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे की होल्डिंग कीजिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, मोस्टली नए हो या पुराने हो शूटर क्या गलती करते हैं, मैच में जब कॉम्पिटिशन में जाते हैं तो वार्म अप और जो स्ट्रेचिंग है वो बिल्कुल ही निकाल देते हैं। बहुत ही कम शूटरों को आपने देखा होगा जो मैच से पहले वार्मअप या स्ट्रेचिंग करते हैं। तो एक तो इसको पार्ट ऑफ शूटिंग बना लीजिए कि स्ट्रेचिंग और वार्मअप करना ही करना है, उसके बाद में लगभग आधा घंटा ड्राई आपने करनी है पिस्टल के साथ में, ट्रिगर के साथ में, ट्रिगर चला करके वाल पे कीजिए। औरतें जो बिंदी लगाती हैं, बिंदी जैसा स्टिकर आता है नहीं मिलता है, मम्मी जी की बिंदी उठा लो, ठीक है, और रेड कलर की होती है तो उसको पेन घुमा करके उसको ब्लैक कर दो, ठीक है, वो अपने साथ में एक बिंदी का पैकेट साथ में रखो। और जहां भी आपको प्रैक्टिस करने का मैच होता है, मैच से पहले ड्राई करनी है, तो वहां कॉम्पिटिशन वेन्यू का ड्राई एरिया के अंदर आपको ड्राई एरिया तो मिलेगा लेकिन ये बिंदी नहीं मिलेगी, तो पेन से लोग दीवार भी खराब करते हैं, तो वो भी नहीं करना है अपने को, अच्छा बच्चा बनना है तो क्या करना है, वो बिंदी वहां पे चिपका देनी है और उसके ऊपर अपने ट्रिगर दबाना है, उसको टारगेट मान के चलना है। तो उसके ऊपर लगभग आधा घंटा ड्राई करें और उस ड्राई को एकदम खुंड दिमाग की तरह नहीं करना है। क्या करते हैं, नए नए दोस्त मिलते हैं, वो राजस्थान से आया है, वो हरियाणा से आया है, वो आर्मी वाला है, वो नेवी वाला है, सब लोग एक जगह झुंड बना लेते हैं और गप्पे मारने शुरू करते हैं। एक हाथ में पिस्टल है उठा रखी है लेकिन मार रहे हैं गप्पे, एक में फोन है, नो यूज, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। खोपचा पकड़िए कोई ड्राई करने के लिए, अगर वहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि वहां बातें किए बिना नहीं रह सकते, जाइए किसी खोपचे में, बाथरूम में बंद हो जाइए कहीं पे, अकेले कीजिए और इस तरीके से ड्राई कीजिए जैसा आपको मैच में करना है, जो जैसा ट्रिगर आपने आपको मैच में चलाना है। अपने दिमाग की ट्रेनिंग करनी है उस टाइम पे, दिमाग को बताना है, बात करनी है अपने आप से कि मुझे ड्राई कैसे करनी है, मुझे ड्राई ऐसे करनी है जैसे मैं मैच में शॉट चलाऊंगा। तो मैच की आपने एक तरह से रिहर्सल कर ली है, तो मैच का कुछ हिस्सा जो प्रेशर का है वो आपका वही रिलीज हो गया। लेकिन बहुत सी जगह पे ये एग्जांपल देखने को, एग्जांपल क्या, मैंने तो हजारों बार देखा है कंपटीशन में ही, नए नए जो दोस्त बिछड़े हुए होते हैं वो मिलते हैं और पूरे गप्पे मारने शुरू कर देते हैं, तो वो गप्पे वप्पे वाला काम नहीं करना है, वो बाद में कीजिए, मैच जो सब खत्म हो जाए उसके बाद कीजिए। लेकिन जब पिस्टल गन आपकी हाथ में है उस टाइम पे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा, यू आर जस्ट ए शूटर, आप एक खिलाड़ी हैं उस टाइम पे, एक आर्टिस्ट हैं, अपनी आर्ट से मतलब रखिए कि आपको करना क्या है, बंदूक हाथ में है तो सिर्फ शूटर है, तो शूटर का क्या काम बनता है, ये काम बनता है, तो सिर्फ वो काम कीजिए, बाकी सब चीजों को छोड़ दीजिए। तो ये है, लगभग आधा घंटा ट्राई करें पिस्टल के साथ में करें, ट्रिगर चला के करें और इस मानसिकता से करें कि
मैच में कैसे चलाना है, ये इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच ओमकार जी, और हमारे पास समय का अभाव है और एक दो क्वेश्चन और रह गए हैं जिसको हम चाहेंगे कि कल पुटअप करेंगे आपके साथ, और कल का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैं सारे अपने श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि कल का सेशन अटेंड करें। और आज सर ने जिस तरीके से बताया है, एक तो प्रिपरेशन, जो मैच का प्रिपरेशन है, सबसे ज़्यादा गलतियाँ हम उसी में करते हैं, और बैलेंसिंग और कैसे प्रेशर हैंडल करें, और ब्रीथिंग के बारे में जितने बखूबी से सर आपने बताया, और ई पाठशाला के बिहाफ में मैं NRAI और साई की तरफ से आपको थैंक यू कहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कल हमारे श्रोतागण जो हैं वो और ज़्यादा संख्या में आके आपका अनुभव सुनेंगे और आपसे सीखेंगे। थैंक यू सो मच, नमस्ते। थैंक यू, जय हिंद ऑल ऑफ यू।